ಭಾಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈತರಿಗಾಗಿ, ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಾಮ ಇಳಿಸಲೇಬೇಕು. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ आज 5 तारीख फरवरी का महीना पूरे कर्नाटक में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से केंद्र सरकार के खिलाफ एक मांग लेकर के एहतजाज हो रहा है और एहतजाज किया जा रहा है. वो ये है कि केंद्र सरकार हर रोज़ पेट्रोल का, डीजल का और गैस का और खाने पीने की चीज़ों का ये रेट रोज़ाना बढ़ाते जा रही है. आप देखिए, एक आम आदमी जो दिन भर 200-400 की मजदूरी करता है, जब वो एक लीटर की तेल, मीठे तेल की पैकेट लेने जाता है, तो वो पैकेट पहले 60-70 रुपये में मिलती थी, आज उसको 120 रुपये 110 रुपये दे के उसको खरीदी करना पड़ रहा है. तो इस तरह से जो है ना, रोज़ाना रेटों को बढ़ाया जा रहा है और एक आम जनता को परेशान किया जा रहा है. सरकार नमूने नमूने से तरह तरह के टैक्स लगा करके रोज़ाना पेट्रोल का, डीजल का, गैस का रेट बढ़ाते जा रही है. पहले देखिए, ये सरकार आने से पहले 400 रुपये में, 400 के अंदर सिलेंडर मिलता था, आज वो सिलेंडर कैरेट में मिल रहा है, मार्केट के अंदर दुकानों में कैरेट में मिल रहा है. सारे लोग कितना परेशान है, सरकार इस तरफ तवज्जो देने तैयार नहीं है. इसलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक में ये मांग कर रही है गवर्नमेंट से कि आप जल्द से जल्द जो कीमतें बढ़ाए हैं उसको वापस लें. वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से, जानिब से मैं आमिना बेगम महिला अध्यक्ष हूँ. आज हम लोग ये प्रोटेस्ट करे हैं, ये रैली निकाले हैं कि तिम्मापुरी सर्कल से और मिनी विधानसभा तक कि पेट्रोल और डीजल और कच्चे तेल के दामा दिने दिन पे छू रहे हैं. एक आम जनता, एक लेबर, एक ऑटो चलाने वाला, टैक्सी डील चलाने वाला, डीजल पेट्रोल का दाम कैसा ये करेंगा. अब जितने भी लेडीज़ मेरे साथ है, खवातीन, वो लोग हैं सो हाउस वाइफ है, उन लोगों खाएंगे क्या जब पेट्रोल के दाम बढ़े तो, शोहर देंगे क्या, बीवी पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या, ये नहीं होने की बात है. मैं मोदी सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि ऑलरेडी आप हमार को मार चुके हैं, हम और मर चुके हैं, तुम हर जरिए से हमार को रोड़ों पे लेकर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हम कभी भी झुकने वालों में से है नहीं और किसी के सामने हमारा सर झुकेगा नहीं, सिवाय अल्लाह ताला के सिवा हम किसी के सामने झुकाएंगे नहीं. वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे कर्नाटक भर में ये पेट्रोल और डीजल की दामों के खिलाफ ये एहतजाज रखा गया. उसी के हिसाब से गुलबर्गा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से भी ये एहतजाज यहाँ पे रखा गया है. आज देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल का दाम 60 रुपया प्रति बैरल, $60 प्रति बैरल होने के बावजूद भी आज पेट्रोल का दाम आसमान को छू रहा है, डीजल का दाम आसमान को छू रहा है. सरकार पहले सब्सिडी देती थी गैस सिलेंडर पे, आज सब्सिडी देना भी बंद कर रही है. लिहाजा हमारी ये मांग है कि पेट्रोल और डीजल का दाम 35 से 40 रुपये होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार आई थी जनता के हित में बोल के आई थी, अच्छे दिन बोल के आई थी सरकार. ये अच्छे दिन अंबानी और अदानी के लिए अच्छे दिन लाई है सरकार. तो हमारी ये मांग है कि सरकार जिस तरह से वादा की थी कि अच्छे दिन हम आम जनता के लिए लाएंगे, तभी होगा, तभी पेट्रोल का दाम 35 रुपये होगा, तभी जनता के लिए ये अच्छे दिन आएंगे. मोदी सरकार ये लूट रही है, जनता के पैसे लूट रही है. हमारी ये मांग है कि मोदी सरकार जनता का पैसा लूटना बंद करें, जनता का जो परेशान हाल है जनता,
उसको परेशान हाल को उनको राहत पहुंचाएं, वरना पूरे देश में जिस तरह से किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, वो किसान का जो एक्ट है वो कानून वापस ले। ये WPI पार्टी के तरफ से हम लोग बोल रहे हैं, जो रैली आज निकली है वो गरीब लोगों के इनके तरफ से निकली है, जो गरीब लोग तकलीफ़ उठा रहे हैं, जो गरीब लोग परेशानी उठा रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन लोग को जो रोज़ रोज़ तकलीफ़ें हो रही है, नए नए मुसीबतें आ रहे हैं, हम लोग उसके लिए ये रैली निकाले हैं। हर दिन आए दिन गैस का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, उसके वजह से जो गरीब लोग हैं उन लोग कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं। ऑटो वाले ऑटो चलाने के लिए मुश्किल हो रही है, जो गरीब लोगों के पास गाड़ी है उन लोग गाड़ी चलाने के लिए परेशान हो रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जिनके पास गैस है गैस रखकर भी चूल्हे पर पकाने के लिए मजबूर हो रहे हैं उन लोग, क्योंकि गैस खरीदने के उनके पास उतने पैसे नहीं रह रहे हैं। ये इतना रेट बढ़ने की वजह से इतने उनको मुश्किलात आ रहे हैं। फॉर पार्टी ऑफ इंडिया अब्दुल सलीम सगरी, सिटी जनरल सेक्रेटरी। मैं आज 5 तारीख को कर्नाटक स्टेट में पूरा जो है ना हमारा महंगाई के लिए जो है ना आंदोलन चला गया हुआ है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे बोलकर जो है ना ये दिन देखने का नसीब हो रहा है कि जो है ना घर में जो है ना पकाने के लिए गैस है ना, गाड़ी में जाने के लिए जो है ना पेट्रोल है ना, जो है ना कोई सामान ले जाने के लिए डीजल है। इतने रेटें बढ़ गए हैं, इतने रेटें बढ़ गए हैं। GDP बढ़ाएंगे, इतना बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए। गैस का रेट भी बढ़ा दिए, जी से बोले तो गैस, गैस का रेट बढ़ा दिए। डी से बोले तो डीजल, डीजल का भी रेट बढ़ा दिए। पी से बोले तो पेट्रोल। GDP इतना बढ़ा दिए कि लोग हैरान है, ये क्या बात है, परेशान है कि भाई ये क्या बात है, हम लोग समझ नहीं सक रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छे दिन आएंगे, वो भी जो है ना पूरे बेटियों को मालूम है क्या हो गया सो है। आज हिंदुस्तान की, भारत की बेटियाँ मेरे जो है ना चित्तूर चन्नम्मा बन जाइए, रजिया सुल्ताना बन जाइए, और जवान नौजवान जो है ना टीपू सुल्तान बन जाइए। ये लोग जो है ना गुलामों में रहने वाले हैं, ये लोग जो है ना अडवानी अंबानी के जो है ना छेले और डावे जो है ना डेले हैं। ये लोग जो है ना बहुत बहुत अच्छे दिन लाने वाले हैं, सबको रोड पर भीख मंगाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा ये पार्टी हर इंसान को बोलेगी कि देखो 1 लीटर खून देना पड़ेगा हर साल तुम्हें, तो भी तुमको देना पड़ेगा, वरना जो है ना तुम्हें जेलों में बंद किया जाएगा या छूट किया जाएगा।